आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ एप्लीकेशन में सस्ते ड्यूअल स्टार्टर के बजाय महंगे सॉप स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और सॉप स्टार्टर दोनों ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। मगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते होते हैं, वहाँ सॉप स्टार्टर DOL के मुकाबले कॉस्टली यानी महंगे होते हैं। मगर कुछ एप्लीकेशंस में सस्ते डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बजाय महंगे सॉप स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, वाटर पंप एंड इंडस्ट्रियल फैन। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर की हेल्प से स्टार्ट किया जाता है, तब स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट ही थ्री फेज पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है विदाउट एनी करंट लिमिटिंग सर्किट, जिसकी वजह से मोटर को स्टार्टिंग में फुल वोल्टेज मिलता है और मोटर स्टार्टिंग के समय सडन हाई इंडक्शन करंट और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ स्टार्ट होती है। मोटर का स्टार्टिंग करंट उसके रेटेड करंट से 7 से 8 टाइम्स तक ज़्यादा होता है। इस तरह स्टार्ट होने वाली मोटर पर और उससे जुड़ी मशीनरी पर मैकेनिकल जर्क लगता है और हाई स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज डिप देखने को मिलता है, जो कि सेम सप्लाई से जुड़े हुए दूसरे अप्लायंस को अफेक्ट करता है। हाई करंट के कारण कई बार कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स भी जल जाते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सस्ता यानी कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, मगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के यूज़ से मोटर और उससे जुड़ी मशीनरी का फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस करना पड़ता है और मोटर का लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सॉप स्टार्टर के बारे में। सॉप स्टार्टर भी DOL स्टार्टर की तरह थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होने वाला मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर है। जहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में स्विचिंग के लिए कॉन्टैक्टर यूज़ होता है, वहाँ सॉप स्टार्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्राइक का यूज़ किया जाता है। ट्राइक एक थायरिस्टर फैमिली का स्विचिंग डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट थ्री फेज पावर से जोड़ता है, वहाँ सॉप स्टार्टर मोटर को डायरेक्टली थ्री फेज पावर से जोड़ने के बदले उसे ट्रैक की हेल्प से वोल्टेज को ग्रेजुअली मोटर को दिया जाता है और स्टार्टिंग हाई इंडक्शन करंट को लिमिट किया जाता है। इस तरह सॉप स्टार्टर हाई इंडक्शन करंट को लिमिट करके मोटर और मोटर से कनेक्टेड मशीनरी को लगने वाले मैकेनिकल जर्क को रोकता है और मोटर को स्मूथ स्टार्टिंग और स्टॉपिंग प्रोवाइड करता है। सॉप स्टार्टर का यूज़ करके मोटर और मोटर से जुड़ी मशीनरी की मेंटेनेंस कॉस्ट बचाई जा सकती है और मोटर की लाइफ इंक्रीज की जा सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भले ही सॉप स्टार्टर की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, मगर लॉन्ग रन में यह चीप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। यानी जहाँ पर स्मूथ स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर सॉप स्टार्टर का यूज़ करना लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव है, और जहाँ स्मूथ स्टार्ट के बिना काम चल सकता है, वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करना कॉस्ट इफेक्टिव है। आपका कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।